प्रिय विद्यार्थी साथियों, आपके अपने करियर एडवाइस चैनल द्वारा प्रारंभ की गई श्रृंखला पढ़वानी दर्शन के तीसरे भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस भाग में हम आपको राजघाट के पुल के इतिहास और भूगोल की जानकारी प्रदान करेंगे। पहले भाग में हमने तीरगोला के इतिहास तथा दूसरे भाग में कॉलेज के इतिहास की चर्चा की थी। यदि वे वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, उन्हें भी देख लीजिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि श्रृंखला के माध्यम से आप बड़वानी जिले के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। समय के साथ पर्यटन स्थल के रूप में बड़वानी जिले का निरंतर विकास होता जा रहा है। ऐसे में इस सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई जानकारी पर्यटक गाइड के रूप में करियर बनाने में आपकी सहायता करेगी। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आजकल परंपरागत प्रश्नों के स्थान पर नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे में हर जिले के ऐतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बड़वानी जिले के दर्शनीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर लिखित परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इससे आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और व्यापक होगा। एमपीपीएससी, यूपीएससी तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू में भी स्थानीय दर्शनीय स्थलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जाहिर है कि ज्ञान इंटरव्यू में सफलता दिलाने में सहायक होगा। बड़वानी जिले के निवासियों को अपने इतिहास और अपनी धरोहर की जानकारी होनी ही चाहिए, जैसा तो कि प्रारंभ की आवश्यकता की बताया पूर्ति भी होगी। तीसरे भाग में हम राजघाट के सुप्रसिद्ध पुल के इतिहास की बात करेंगे। आप पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए। आइए अब हम जानते हैं राजघाट पुल का इतिहास। बड़वानी के निकट राजघाट नामक स्थान है। यहीं पर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा पर एक पुल बना हुआ है। क्योंकि राजघाट क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया है, इसलिए यह पुल भी यथा समय डूब जाता है और इस पर आवागमन भी बंद हो गया है। अतः अब यह पुल हमारी ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी में अरब सागर में विलीन हो जाती है। अरब सागर हिंद महासागर का ही एक भाग है। मां नर्मदा की इस दीर्घ यात्रा में एक पड़ाव हमारा राजघाट क्षेत्र भी है। आप जानते हैं कि राजघाट के पुल का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया और कब किया गया था? आपको जानकर प्रसन्नता होगी और साथ ही गर्व भी होगा कि इस पुल का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1955 में किया था। प्रसंगवश जान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1962 तक 12 वर्ष देश के राष्ट्रपति रहे। शिलान्यास के कितने वर्ष बाद यह पुल लोकार्पित किया गया? पुल का शिलान्यास 1955 में हुआ और इसके करीब 9 वर्ष उपरांत 29 फरवरी 1964 को यह पुल जनता को अर्पित किया गया। क्या आप जानते हैं कि इस बेहतरीन पुल का लोकार्पण किनके कर कमलों से हुआ था? नहीं गया थे तो जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने पुल जनता को अर्पित किया था। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी 30 सितंबर 1963 से 29 जुलाई 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। आपने ध्यान से सुना था ना कि हमने पुल के लोकार्पण की तारीख
29 फरवरी 1964 बताई है। जी हाँ, 29 फरवरी। सामान्यतः फरवरी माह 28 दिनों का होता है, लेकिन 4 वर्षों में एक बार फरवरी माह 29 दिनों का होता है। ऐसे वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। चूंकि 1964 लीप ईयर था, इसलिए इसमें फरवरी माह 29 दिनों का आया। क्षेत्र के निवासी बताते हैं कि लोकार्पण से पहले ही लोगों ने पुल के माध्यम से आवागमन प्रारंभ कर दिया था। आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा भी होगी कि पुल के निर्माण में कितनी लागत लगी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमें जो तथ्य प्राप्त हुआ है उसके अनुसार इस पुल की लागत मात्र 38 लाख रुपए थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह राशि बहुत ही कम है। पुल बनाने में कितना सीमेंट और इस्पात लगा होगा? तो सुन लीजिए कि इस पुल को बनाने में 80,000 बोरी सीमेंट तथा 900 टन इस्पात का उपयोग किया गया था। कभी आपने ध्यान दिया कि यह पुल कितने स्तंभों पर टिका हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। यह पुल 36 स्तंभों पर बना हुआ है। पुल की लंबाई कितनी है? यदि हम फीट में पुल की लंबाई की बात करें तो यह 2339 फीट है, और यदि मीटर में लंबाई नापी जाए तो यह पुल लगभग 709 मीटर लंबा है। वह तारीख भी ध्यान रखने योग्य है जब डूब क्षेत्र में आने के कारण इस पुल पर से आवागमन बंद कर दिया गया था। तो नोट कर लीजिए कि 29 फरवरी 1964 को विधिवत रूप से प्रारंभ हुए इस पुल पर से 14 सितंबर 2017 को आवागमन बंद कर दिया गया था। वर्ष, माह और दिन के लिहाज से पुल का सेवा काल कितना रहा, यह जानना भी रुचिकर होगा। तो सुनिए, इस पुल ने 53 वर्ष 6 माह और 13 दिन सेवाएं दी। क्या पुल से संबंधित तारीखों आदि के बारे में जानकारी का कोई प्रामाणिक स्रोत है? जी हाँ, बिल्कुल है। राजघाट पुल के एक छोर पर एक अभिलेख उपलब्ध है जिससे पुल के उद्घाटन की तिथि ज्ञात होती है। तो बड़वानी दर्शन की हमारी सीरीज के तीसरे वीडियो के माध्यम से राजघाट पुल के इतिहास की यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। जिस धरोहर को आप प्रायः देखते रहते हैं उसके बारे में आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। ज्ञान और जानकारी जितनी अधिक प्रसारित होगी उतनी ही लाभदायक होगी। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।